दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगी कुछ ऐसे चुनिंदा लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्राणायाम और योग आसनों के अभ्यास, जिनको अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो समय से पहले आपके बालों का झड़ना, टूटना, उनका रूखे हो जाना, बालों में रूसी यानी डैंड्रफ का हो जाना, या कि फिर बाल बहुत ही ज़्यादा पतले दुबले हैं, समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, इन सारी समस्याओं में आज की जो वीडियो है आपको बहुत मदद करेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? अब सवाल ये उठता है कि योग की मदद से आखिर बालों का झड़ना, टूटना, सफ़ेद होना ये कैसे कम हो सकता है? इसके सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आप इन आसनों का अभ्यास करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, साथ ही इन प्राणायाम और योग अभ्यासों को जब आप निरंतर करते रहते हैं तो आपका तनाव जो है उसको भी कम करने में बहुत मदद मिलती है। तो आज इसी तरीके के अभ्यास करते हैं जिससे स्कैल्प की तरफ ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो, साथ ही तनाव को कम करने वाले आसन और प्राणायाम सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। स्कैल्प की टैपिंग करेंगे, यानी इनको हल्का हल्का थपकी देंगे, इस तरीके से हल्का 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 हल्का। अक्सर जब आप नाई की दुकान में जाते हैं तो इस तरीके की आपको थपकियाँ मिलती हैं और उसके बाद आप कितना ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं, है ना? अगर हफ्ते में एक बार आप अपने सर पर ऑयल लगा के इस तरीके से थपकियां कर लें तो उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। जो टेंशन है वो तो दूर भागेगी ही भागेगी और साथ ही पूरे के पूरे हेड रीजन पर ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा। तो अब करते हैं जरा दूसरी हेड मसाज जो कि स्कैल्प में बहुत अच्छा ब्लड फ्लो इम्प्रूव करेगी। इसके अभ्यास को करने के लिए हम अपने पूरे स्कैल्प पर फोकस करेंगे और इसको आप किसी गद्दे पे कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, या कि फिर योगा मैट को डबल कर लीजिएगा। अपने आगे से पीछे इस जगह को इस किस तरीके से मसाज करेंगे देखिए। तो अपने सर का आगे वाला हिस्सा माथे को रखें यहाँ पे, माथे के बाद फिर इसके बाद पीछे की तरफ ऐसे लेके जाएं, ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे 5 से 7 बार ऐसे आगे से पीछे की तरफ ऐसे। तो जब आपका ये अभ्यास हो जाए तो फिर उसके बाद राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो आपको क्या करना है, योगा मैट पर बैठे हुए अपने क्राउन को, क्राउन आपके यहां पर इस वाले हिस्से को ऐसे रखें, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे एक कान से दूसरे कान की तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, ये हुआ ऐसे 8 से 10 बार ये प्रैक्टिस कर लें आप ऐसे। फिर उसके बाद जब ये अभ्यास भी हो जाए तो पूरे सर को घुमाना शुरू करें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके सर के आगे के हिस्से से फिर उसके बाद राइट बैक लेफ्ट, आगे का हिस्सा राइट कान, पीछे का हिस्सा लेफ्ट, पूरा गोल गोल घुमाएं ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उल्टा ऐसे 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 ऐसे। तो इतना करने मात्र से आप वो एक्टिवेशन महसूस करेंगे अपनी स्कैल्प पर। और दूसरा, जिनको गर्दन में दर्द हो या कि फिर कोई इंजरी हो तो वो ये अभ्यास को बिल्कुल ना करें। सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो तो वो ये अभ्यास को बिल्कुल ना करें। फिर ये अभ्यास करने के बाद रेस्ट करें। योगासन का अभ्यास करेंगे तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी योगा मैट को डबल कर लिया है, और ताकि इन सारे के सारे अभ्यासों को जब मैं करूं तो उस वक्त थोड़ा योगा मैट जो है कुशन उसमें अच्छा खासा हो। तो अगर आपकी योगा मैट ऑलरेडी मोटी है तो फिर इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला अभ्यास, इस तरीके से आप
वज्रासन में बैठ जाएंगे, अभ्यास कर रहे हैं बालासन या चाइल्ड पोज का। धीरे से अपने चेस्ट को, बेली को, चेस्ट को इस तरीके से हेड डाउन करें और फिर उसके बाद अपने माथे को ऐसे मैट की तरफ जाने दें और दोनों हाथों को ऐसे साइड में रहने दें अपने पैरों के, और यहाँ पर हेड डाउन करके ब्रीथ करें, ऐसे ब्रीथ करें, ब्रीथ करें। कम से कम 30 सेकंड से एक मिनट के लिए इस तरीके से ब्रीदिंग करते रहें। इससे आपका ब्लड फ्लो हेड रीजन की तरफ इम्प्रूव होता है और आपका दिमाग भी शांत होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका पेट बहुत बड़ा होगा, लोअर बैक बहुत ज्यादा स्टिफ होगी, कड़ी होगी, तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर कर लें और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने पेट को दोनों थाई के बीच में जाने दें, ये जो गैप है ना, और फिर उसके बाद चेस्ट को और हेड को ड्रॉप कर दें ऐसे और ब्रीथ करें। फिर उसके बाद हेड अप करें और फिर इसके बाद इस पोस्चर को रिलीज कर दें, दोनों पैरों को बॉडी के सामने स्ट्रेच करें, दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें, ब्रीथ करें, रेस्ट करें, स्थिल दंडासन। बालासन के अभ्यास के बाद हम बढ़ रहे हैं अगले आसन की तरफ जिसका नाम है ससांगासन या रैबिट पोज। इसको करने के लिए आपको ऐसे टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाना है, इस तरीके से ऐसे टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद ध्यान रखिएगा कि आपकी योगा मैट जो है पतली ना हो, मोटी हो। मैंने एहतियात के लिए दो योगा मैट को एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। अपने दोनों कलाइयों को कंधों के एक लाइन में रखिएगा, ऐसे आगे मत रखिएगा, ठीक है, और दोनों घुटनों के बीच में अपनी हिप जितना फासला करके रखिएगा। आपके टो को ऐसे आउट कर सकते हैं, यानी बड़े अंगूठे को आउट कर सकते हैं, या तो फिर अपने अंगूठे को ऐसे इस तरीके से टक कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। फिर धीरे 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 क्या करेंगे, आपके सर का जो क्राउन एरिया है ना, ये वाला हिस्सा, अगर आपको और अच्छी तरीके से समझाऊं तो दोनों अंगूठों को कान के पास लाएं और ऐसे धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ लेके जाएं। जहां पर दोनों अंगूठे आपके मिल गए ना, इस जगह को आपको मैट पर रखना है, तो शीर्षासन वाले बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो आराम से अपने क्राउन एरिया को आपने अपनी मैट पर रखा इस तरीके से, ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों से अपने पैर की एड़ी पकड़ लें, एड़ी ना पकड़ पे आए ऐसे, एड़ी अगर ना पकड़ पाए तो फिर उसके बाद अपने पैर के कहीं भी हिस्से पे ऐसे पकड़े, हिप को ऊपर रखें ऐसे, या तो हाथ को ऐसे साइड में रख लें और ब्रीद करें। टो को ऐसे बाहर भी रख सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं ऐसे। तो इसका अभ्यास कम से कम 30 सेकेंड या एक मिनट तक होल्ड करके रखें, ब्रीदिंग करते रहें, और चाहे तो 3 बार भी रिपीट कर लें। फिर उसके बाद अभ्यास करने के बाद फिर से रेस्ट करें, दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर करें, बालासन रेस्ट। अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से संचालित किया जाता है ताकि देश और दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों आप आसानी से मेरे साथ जुड़ के योग का अभ्यास कर सकें। हर व्यक्ति इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। अगर आप बिगनर हैं, पहले कभी योग का अभ्यास नहीं किया, अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस को और डीपन करना चाहते हैं, या कि फिर आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्थ कंडीशन है जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, रात में नींद नहीं आती, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या है, ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हुआ है या ब्लड प्रेशर बहुत घटा हुआ है, ब्लड प्रेशर हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, तो यकीन मानिए मेरी क्लासेस में जो भी स्टूडेंट्स अभी अभ्यास कर रहे हैं उनको अपनी हेल्थ कंडीशन से उबरने में बहुत मदद मिल रही है और निरंतर वो योग का अभ्यास भी कर रहे हैं। इन क्लासेस में आखिर क्या सिखाया जाएगा आपको? इन क्लासेस में आपको अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान,
यानी मेडिटेशन कैसे करते हैं, क्लिंजिंग की अलग अलग तरीके की टेक्निक, रिलैक्सेशन किस तरीके से करते हैं, और साथ ही खाने पीने के बारे में भी आपको गाइड किया जाता है ताकि आपकी ओवरऑल वेलबींग जो है वो अच्छी हो सके, आपको ओवरऑल स्वास्थ्य लाभ मिल सके। इन क्लासेस के को ज्वाइन करने के बाद ना आप इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे कि अपने घर के ही कंफर्ट जोन में इन क्लासेस के माध्यम से आप अभ्यास शुरू कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे आप इन क्लासेस को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो आप मेरे द्वारा बनाए हुए कुछ कोर्सेज हैं जो कि एक्सक्लूसिव मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे बिल्कुल भी ये कोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने आसन, प्राणायाम, ध्यान को इस तरीके से सीक्वेंस में बनाया है ताकि कोई भी व्यक्ति इन वीडियोस को प्ले करके, इन रिकॉर्डेड वीडियोस को प्ले करके आसानी से अपने अभ्यास की शुरुआत कर सकता है। और ये कोर्सेज भी कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली है। आप अगर इन जूम क्लासेस और रिकॉर्डेड सेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिएगा, जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर मैंने अपना एक व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको मेरी क्लासेस के बारे में और कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी भेज दी जाए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी को योग सिखाने के लिए। जाइए, मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए या कि फिर एक व्हाट्सएप कीजिए। अब अगले आसन का अभ्यास कर रहे हैं जो पूरी अपर बॉडी को स्ट्रेच करेगा, लोअर बॉडी को भी स्ट्रेच करेगा, साथ ही ब्लड फ्लो आपके हेड रीजन की तरफ इम्प्रूव करेगा। इसका नाम है अधोमुख श्वानासन, या इंग्लिश में इसको कहते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अपने टी शर्ट को मैंने इस तरीके से टक कर लिया है और फिर उसके बाद टेबल टॉप पोजीशन पे आ गई हूँ। ये मेजरमेंट हो गया, ध्यान दीजिएगा हाथ बहुत आगे ना हो, जो कि मैं पहले बताई थी टेबल टॉप पोजीशन पे इस तरीके से रहेंगे। फिर उसके बाद अपने पैर के अंगूठे को ऐसे टक किया और धीरे से ऐसे घुटने को सीधा कर लिया। घुटने को सीधा करने के बाद दोनों पैरों के बीच में देखिए मेरे फासला है, बहुत ज्यादा इतना फासला नहीं करना है आपको, सिर्फ कमर जितना फासला करना है। सामने देखिए, सांस ले और सांस छोड़ते हुए अपने माथे को अपने फ्लोर की तरफ, मैट की तरफ इस तरीके से पुश करें, ऐसे ऐसे ऐसे, और अपनी नाभि को देखने की कोशिश करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर ये अभ्यास करने में आपको दिक्कत आए तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घुटनों को हल्का सा ऐसे मोड़ सकते हैं और एड़ी को उठा सकते हैं और फिर उसके बाद हेड को ऐसे इस तरीके से करें। जिनको घुटने में दर्द होगा ना तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, तो ऐसे इस तरीके से बस आपका सर जो है मैट की तरफ हो, ऐसे ब्रीथ करेंगे, ब्रीथ करेंगे, ब्रीथ करेंगे और फिर रिलीज करने के बाद वापस से बालासन में ऐसे रेस्ट करेंगे। दोनों हाथों को अपनी थाई के पैरों के साइड में रखेंगे और हेड को ड्रॉप करके रेस्ट करेंगे। अब हम अभ्यास कर रहे हैं सर्वांगासन, जिसको सभी आसनों की जननी, माँ या रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ ऑल आसन, या के फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं शोल्डर स्टैंड। किस तरीके से करेंगे जरा अभ्यास को समझते हैं। अपने टी शर्ट को ऐसे टक कर लें और फिर उसके बाद अपने योगा मैट पर लेट जाएं, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें और फिर उसके बाद धीरे से अपने पैरों को ऐसे उठाते हुए हिप को अप करें और हिप को अप करने के बाद अपने चिन को कोलर बोन की तरफ इस तरीके से टक कर दें और पैरों को सीधा करें, ऐसे कंधों को और अंदर लेके आए और ब्रीथ करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। घुटने को माथे की तरफ लाते हुए फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी कमर को ऐसे फ्लोर पर ड्रॉप करें और रेस्ट करें। अगले आसन का जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो है मत्स्यासन। आराम से अपनी योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएंगे, फिर उसके बाद इजीएस्ट तरीका मैं अभी सिखा रही हूँ ताकि सभी कर लें। एड़ियों को जोड़े, अंगूठे को जोड़े, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें और मैंने आपको आपके सर का जो क्राउन एरिया है वो बताया था ना, ये वाली जगह, इस वाली जगह को ऐसे, इस वाली जगह को मैट पर आपको रखना है। तो दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखा, हल्का सा उठें
एल्बो पर बॉडी का वेट डालें, चेस्ट को ओपन करें और सर का जो क्राउन एरिया है इसको मैट पर रखें। इस तरीके चेस्ट को बाहर की तरफ पुश करते रहे। ब्रीथ करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो इस अभ्यास को आपको कम से कम 3 बार रिपीट करना है, 10 सेकेंड रोके, 30 सेकेंड रोके, दैट डिपेंड्स ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी और या कि आप कितना कंफर्टेबल हैं। फिर उसके बाद दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें और दोनों पैरों को एक दूसरे से अलग करें। रेस्ट करें, ब्रीथ करें, रेस्ट करें, ब्रीथ करें, शवासन। आइए अब करते हैं कुछ प्राणायाम का अभ्यास। इन चुनिंदा प्राणायाम का अभ्यास जब आप करते रहते हैं तो आपके शरीर की सोई हुई नस नाड़ियाँ, जो सोई हुई सेल्स हैं, निष्क्रिय सेल्स हैं, वो एक्टिव होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और मानसिक तनाव भी कम करने में बहुत मदद मिलती है। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। सांस लेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाएंगे, उंगलियों को पूरा खोल लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ ऐसे पुल करेंगे। अपने मुंह को बंद रखेंगे, आँख को बंद करेंगे और पूरा ध्यान सांसों के लेने और छोड़ने पर रखेंगे। इस अभ्यास में सांसों को लेना और छोड़ना दोनों एक्टिव होते हैं। सांस लिया और सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा। इस अभ्यास को आप 30-30 पंपिंग के 3 सेट कर लें जो कंप्लीट बिगनर हैं, और जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 3 सेट कर लें, और नंबर ऑफ जो रिपीटेशन है पंपिंग है वो आप कितनी भी कर सकते हैं। चलें मैं आपको 20 टाइम्स करके बताती हूँ। आंखों को बंद कर लिया, सांस लिया और सांस छोड़ा। ड्रॉप कर दें, अपने थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ, अंगूठे को अंगूठे के बगल वाली उंगली के साथ ऐसे जोड़ के रख दें। आंखों को बंद रखें, आंखों को तुरंत ना खोलें। और अब आपके शरीर में जो इम्प्रूव्ड ब्लड सर्कुलेशन है इसको महसूस करें। शांत बैठे रहें, बिना आंखों को खोले, हाथों को हिलाए, पैरों को डुलाए हुए शांत बैठे कम से कम 1 से 2 मिनट, जब तक इस अभ्यास के इफ़ेक्ट को आप महसूस कर सकें, जान सकें। कुछ लोगों का सर भी भारी लगेगा, थोड़ा सा हल्का चक्कर आएगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको इसके करने के बाद के इफ़ेक्ट को जानना है। एक ध्यान की स्थिति आएगी, उसको महसूस करना है। तो जब आप भस्त्रिका का अभ्यास कर लें, 3 सेट कर लें, और जो हमने अभी सांस लिया सांस छोड़ा, इस अभ्यास को आप जितनी मर्तबा कर सकते हैं कंफर्टेबल होकर, अगर ऐसे लगे कि सांस आपको लेने छोड़ने में दिक्कत आ रही है या घबराहट हो रही है, बहुत बेचैनी, पसीना आ रहा है, तो फिर वहीं पर स्टॉप कर दें। अब हम जो दूसरा अभ्यास करेंगे ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसका अभ्यास बहुत सिंपल है, कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। करना कैसे है, आराम से ऐसे पालती मार के बैठे हुए हैं, अपने लेफ्ट पाम को इस तरीके से चिन मुद्रा बना लें, थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ जोड़ें, इसको अपने घुटने के ऊपर रख लें। फिर उसके बाद राइट हथेली से विष्णु मुद्रा बनाएंगे, ऐसे मुट्ठी बना ली, सबसे छोटी वाली उंगली और उसके बगल वाली उंगली यानी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को ऐसे उठा लिया और ये एक यू का आकार बन गया, यू का शेप बन गया। ऐसे बहुत पीछे मत खींचिएगा, आगे की तरफ झुका रहने दीजिएगा। और फिर उसके बाद आँखों को बंद कर लीजिए, अपने एल्बो को चेस्ट के करीब लेके आइए, सांस लीजिए अपनी राइट नॉस्ट्रल से 1, 2, 3, सांस लीजिए अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से 1, 2, 3, 4, लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट से सांस छोड़िए 1, 2, 3, 4, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल लेफ्ट, सांस लीजिए लेफ्ट से और सांस छोड़ दीजिए राइट से, धीरे 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 धीरे, सांस लीजिए राइट से, सांस छोड़ दीजिए लेफ्ट से, फिर सांस लीजिए लेफ्ट से, सांस छोड़ दीजिए राइट से, सांस लीजिए राइट से और सांस छोड़ दीजिए लेफ्ट से।
तरीके से इस प्राणायाम का अभ्यास आपको कम से कम 5 मिनट करना है। अभी हमने जो रेशियो रखा, 4 काउंट तक सांस लिया, 4 काउंट तक सांस को छोड़ा। आप अगर थोड़े अभ्यस्त हो जाएं कुछ दिन के बाद, तो सांस जितनी ले उससे 2 गुनी सांस छोड़ने की कोशिश करें। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, लेकिन अगर अभी आप कंफर्टेबल नहीं है वैसा प्रैक्टिस करने में, तो जितनी सांस लें दूसरी नाक से सांस छोड़ दें, यानी लेफ्ट से सांस लें, राइट से छोड़ें, फिर राइट से लें और लेफ्ट से छोड़ें, फिर लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, फिर राइट से लें और लेफ्ट से छोड़ें। ऐसा आप कम से कम 5 मिनट तो करिए ही करिए। इससे आपका मानसिक तनाव जो है बहुत कम होगा। इनफैक्ट अभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का, मात्र 2 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, इंस्टेंट आप एक रिलैक्सेशन महसूस करेंगे, एक चिंता मुक्त अवस्था महसूस करेंगे। जब इन दोनों प्राणायाम का अभ्यास कर लें, तो आंखें बंद करके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट शांति से ऐसे बैठे हुए ऑब्जर्व करें शारीरिक और मानसिक बदलावों को। फिर उसके बाद जब 5 से 10 मिनट बैठ जाएं, तो फिर उसके बाद आराम से शवासन में लेट जाएं, पैरों को अलग कर लें, हाथों को बॉडी से दूर कर लें, आंखों को बंद रखें, रेस्ट करें, रेस्ट करें, रेस्ट करें। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने स्टेप बाय स्टेप सारे प्राणायाम आसनों का अभ्यास सीखा। इससे मदद मिलेगी स्कैल्प की तरफ ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने में और पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने में, और साथ ही आपके मानसिक तनाव को कभी कम करेंगे। अगर आपका सुझाव है किसी भी तरीके का, या आप फ्यूचर में कौन से टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए आप सजेशन देना चाहते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पर वीडियो बना के बेहद खुशी होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक थम्स अप दे दीजिएगा। इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ खूब शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना खूब ख्याल रखें। नमस्ते।